हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बनाऊंगी ये कोल का सब्जी, कोल गच्ची का सब्जी। पहले इसको छील लेते हैं, उसको माटी दाल का साथ बनाएंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिए, और जो जो प्लीज नया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए। काला दाल जो माटी दाल होता है उसका साथ इस तरह से पहले छील लीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैंने छील के ऑलरेडी धुला के सफ़ा कर लिया कोल का गच्ची, और इधर है माटी दाल जो एक रात पहले भिजाना चाहिए, तब ऐसे अच्छे से सफ़ा नहीं हुआ है मेरा, गुटा गुटा लोग रह गया। और ये है आलू, प्याज, टमेटो, मिर्चा, और इधर है लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी बनाते हैं। तेल गरम हो चुका है, करी पत्ता को दे रहे होते हैं, करी पत्ता मिलेंगे। डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हाँ। मिर्चा को भी दे दिया तेल में ही। माटी दाल ये है, कोल गच्ची। नमक स्वाद के अनुसार, कम बेटा। मामा थोड़ी देर पकाने के बाद इसको इसमें पानी डालने का जरूरत ही नहीं, पानी खुद निकलता है। और 5 मिनट पका लेते हैं, आलू को पूरा पक जाने दीजिए। तब एक बार 20-20 में चेक करते रहिए। देखिए तो आलू लोग पक गया, देखिए। ये टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी रुको कोई। ये पानी पानी भी सूख जाएगा, सब्जी भी पक जाएगा। एक बार चेक करती हूँ, ये पूरा पक चुका है दोस्तों। मजा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। ये पानी को पूरा ड्राई कर दीजिए, ये पक चुका है अभी तो, थोड़ा देर तक खाने के लिए हो ही जाएंगे, और थोड़ा 2-3 मिनट छोड़ देते हैं। ये हो गया हम लोग का सब्जी। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, और डेली नया नया रेसिपी आप लोग सीखते रहिए। ये सब्जी तो पक गया मेरा, चलिए अभी निकाल के खाते हैं हम लोग।
ये है मेरा कोल का सब्जी, और आप लोग भी ट्राई करके बना के देखिए, घर में खा के देखिए, और हमको सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।